हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल यमी रेसिपीज बाय पल्लवी में आपका स्वागत है। आज मैं फिर आपके सामने बच्चों के लिए झटपट तैयार होने वाला बहुत ही यमी और हेल्दी पराठा बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। आइए उसको बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने आटा लिया है और अपने आटे में मैं थोड़ा सा अजवाइन और थोड़ा सा नमक ऑयल डालकर डो रेडी कर लेते हैं। डो रेडी हो गया है और इस पर मैं हल्का सा ऑयल लगाकर 5 मिनट के लिए इसको रेस्ट पर रख देती हूँ। इतने हमारा डो रेस्ट करता है। आइए अपने पराठे की स्टफिंग रेडी कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने पनीर लिया है, पनीर को मैंने ग्रेट कर लिया है। गाजर को भी ग्रेट कर लिया है। बारीक कटा हुआ अनियन और एक बारीक कटा हुआ शिमला मिर्च। नमक ध्यान रखिएगा, आपने डो में भी डाला था। थोड़ा सा जीरा, लाल मिर्च टेस्ट के अकॉर्डिंग, बारीक कटा हुआ धनिया और हरी मिर्चें, इन सब चीज़ों को अच्छे से मिला लीजिए। हमारी स्टफिंग रेडी हो गई है, लग रही है ना कितनी टेम्प्टिंग। आइए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर हम डबल लेयर वाला पराठा बनाएंगे। डबल लेयर पराठे की खासियत ये होती है कि इसमें आपकी स्टफिंग निकलती नहीं है और आपका पराठा बहुत ही अच्छा बन के आता है। अच्छे से बढ़िया सी स्टफिंग डाल के उसको सारी जगह स्प्रेड कर लीजिए। तरीके से इसके सारे किनारे दबा दीजिए। और हाथों को हल्के हाथ से ज्यादा प्रेशर नहीं देना है पराठे पर। अपने पराठे को सेकते हैं। यहाँ पर हमारा तवा गर्म हो गया है, इसको मैंने हल्का सा ग्रीस कर दिया है। हमारा पराठा सेकता है, हम अपना एक और पराठा रेडी कर लेते हैं। हमारा पराठा सिक गया है, इस पर ऑयल लगा लीजिए या घी, जो भी आपको पसंद है। बच्चों के लिए आप जो बना रहे हैं, गैस की फ्लेम को आप लो टू मीडियम ही रखिएगा, क्योंकि पराठा तभी हमारा क्रिस्पी और टेस्टी बनकर आएगा। हमारा पराठा तैयार हो गया है, आइए इसको ताप लेते हैं। अपना दूसरा पराठा भी हम रेडी कर लेते हैं। हमारा दूसरा पराठा भी तैयार हो गया है, आइए इसे सर्व करते हैं। यहाँ पर मैं पराठे को 2 पीस में काट रही हूँ और अब इस पराठे के ऊपर मैं सॉस स्प्रेड कर रही हूँ, जो बच्चों की ऑल टाइम फेवरेट है। इस तरीके से अच्छे से स्प्रेड कर लीजिए। इनका एक रोल बना लीजिए। हमारे पराठे बनकर तैयार हैं। इन पराठों में वो सभी वेजीज हैं
जो आपको टेंशन ही नहीं देंगे कि बच्चों ने सब्जी खाई है, और आप इनको बच्चों के फेवरेट सॉस के साथ रोल करके दीजिए। इससे बच्चे भी खुश होंगे और आप भी टेंशन फ्री। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।